हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल यू एंड माइंड। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरे वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, फैशन एंड मैनी मोर। जी आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही स्पेशल गुजराती क्यूजीन, जिसे कहा जाता है खांडवी। जी फ्रेंड्स, जो डिश है जितनी ही दिखने में ब्यूटीफुल है, उतनी ही खाने में बहुत टेस्टी और बनने में बहुत ही आसान है। बस कुछ ही ट्रिप्स और ट्रिक्स के साथ ये झट से मिनटों में तैयार हो जाती है। बस जो इसमें एक छोटी सी ध्यान जो बात रखनी है वो एक ही है कि जो हमारा बैटर जब हम कुकिंग के टाइम रखते हैं उसकी क्या कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और किस टाइम हमें उस बैटर को बंद कर देना है फॉर द कुकिंग प्रोसेस। चलिए जी फ्रेंड्स, फिर देरी किस बात की है, चलते हैं फटाफट हमारी रेसिपी की तरफ और जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम चलें अपनी रेसिपी की तरफ, मैं आपको ये बता दूं चैनल पे बहुत अमेजिंग रेसिपीज, चाहे इंक्लूडेड हो स्वीट से लेके कुल्फी से लेके डिफरेंट केक्स या डिफरेंट स्ट्रीट स्टाइल फूड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन कोर्स रेसिपीज आर ऑल्सो देयर, जिसमें कि बहुत अलग अलग स्टाइल की आपको सब्जियाँ मिल जाएंगी। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू विजिट माई चैनल, जरूर से ज़रूर मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे ये बहुत अमेजिंग रेसिपीज आपको देखने को मिलेंगी। रेसिपीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उस लिंक से क्लिक करके आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितना दही ले लिया है, यही सेम कप्स हैं जिसके मैंने 2 कप्स का वाटर ले लिया है, और यहाँ पे ये मैंने अदरक और मिर्ची उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे 1 कप ऑफ बेसन है, यहाँ पे ये 1/2 टीस्पून के आसपास काली मिर्च और ये कुछ 1 टीस्पून के आसपास हल्दी, ये स्वाद अनुसार मैंने नमक ले लिया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप मैंने एक एम्प्टी बाउल ले लिया है, उसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 ऐड कर लूँगी। सबसे पहले बेसन चला गया, ये दही चला गया, और अब हम डाल लेते हैं हमारा पानी। ये पानी मैं 1 बाय 1 ऐड कर रही थी, 2 कप्स ऑफ वाटर था, ये वाटर ऐड हो गया। चलिए हम धीरे धीरे पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ताकि लम्ब्स एक साथ क्रिएट ना हो जाएं। ये थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। चलिए अब फटाफट से मैं आपको मिलती हूँ फटाफट से बैटर को मिक्स करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है पानी में, कुछ भी लम्ब्स वगैरह नहीं हैं। चलिए अब डाल लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, वो है अदरक और मिर्ची, ये कद्दूकस करके मैंने रख लिया था। नियर बाय 1 इंच जितना मैंने अदरक लिया था और 2 मिर्ची मैंने ली थी, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। और यहाँ पर ये हो गई काली मिर्च, काली मिर्च भी मैं इसमें अच्छे से डाल लेती हूँ। सो 2 टाइप की मिर्ची हो गई, एक हो गई हरी मिर्ची, एक हो गई काली मिर्ची। चलिए ऐड करते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, ये हो गया हमारा हल्दी, ये हल्दी भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है इन सब चीज़ों को। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा नमक डाल लेते हैं, ये हो गया नमक। स्वाद अनुसार जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप नमक ऐड कर लेंगे। चलिए जी अब कर लेते हैं मिक्स। चलिए अब सब चीज़ें मोस्टली बैटर में मिक्स हो चुकी हैं। चलिए जी चलते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पे, वो है बैटर को छानना। छानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो अदरक के छूते थे जो हमने कद्दूकस किए थे उसको छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो छूते मुँह में लगेंगे। चलिए जी फटाफट से ये देखिए छान लेते हैं पूरे बैटर को, और ये देखिए यहाँ पर पूरा बैटर छान के मैं आपको मिलती हूँ। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटर मेरा अच्छे से छान चुका है और बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ तक का प्रोसेस तो बहुत इजी है, क्योंकि क्या होता है इन सब चीज़ों में चीज़ें हमारी फिक्स हैं, सिर्फ उसे छानना है। अब यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आपको जब पैन रखना है और ये जब आप बैटर डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है पैन बिल्कुल हमारा ठंडा रहना चाहिए, मतलब आपको गैस की फ्लेम चालू नहीं रखनी है। पैन में पहले आप बैटर डालेंगे फिर गैस चालू करेंगे। चलिए जी बैटर मैंने डाल दिया है, जैसे जैसे गैस पे बैटर पकना शुरू होगा वैसे वैसे ये बैटर थोड़ा थिक होता जाएगा। यहाँ ये देख रहे हैं आप कैसे ये छोटे छोटे से चिपकने के बाद कैसा हमारा ये बैटर होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका भी बैटर ऐसा धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो मुझे पकाते पकाते 5 मिनट हो चुके हैं और बैटर कितना गाढ़ा हो चुका है। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका स्पैटुला है वो रुकना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यूस जो बैटर है जो चिपक रहा है उसको निकालते जाना है। यहाँ इस जो पूरे खांडवी प्रोसेस में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ओनली एंड ओनली एंड ओनली कुकिंग, मतलब आपको जो ये बैटर है कितने टाइम तक कुक करना है। सो मैं आपको बताती हूँ किस टाइम तक आपको ये बैटर कुक करना है।
जी अभी मेरे बैटर को कुक होते होते 10 मिनट्स हो चुके हैं। जी जैसे जैसे आप बैटर को कुक करते जाएंगे वैसे धीरे धीरे आप नोट करेंगे बैटर कॉर्नर एजेस से छूटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब बैटर कैसे बिल्कुल डार्क थिक हो चुका है और बहुत ही कॉर्नर से छूटना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको टेस्ट करना है। ये देखिए प्लेट है, मैंने उस पर बिल्कुल थोड़ा सा बैटर लेके ऐसे फैलाया है और इसको यूं करके ऐसे फैला दिया है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और इसको कॉर्नर एजेस से रोल करके देखूँगी कि ये रोल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि खांडवी में हमको क्या करना होता है। यहाँ ये आप देखिए, मैं एक वीडियो के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल कैसे हमारा बैटर बिल्कुल यूं रोल हो रहा है, तो इस तरीके से रोल होके आपका निकलना चाहिए। जब आपका ये थोड़ा सा जो हमने सैंपल लिया है रोल होके निकलना शुरू हो जाए मीन्स आपका ये जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने प्लेट में लिया था थोड़ा सा वो चेक किया तो वहाँ पे ये रोल नहीं हो रहा था, मतलब मुझे अभी तक और कुक करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मैं और भून रही हूँ। आपको नियर बाय 20 मिनट्स इस बैटर को कुक करने में आराम से लग जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने फ्लेम रख रखी है वो मैंने मीडियम फ्लेम रख रखी है, आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। सो जैसे कि आपने देखा मेरा अभी तक बैटर कुक नहीं हुआ था, मैं अभी इसको और 5 मिनट कुक कर रही हूँ और चेक करूँगी सेम उसी प्रोसेस से थोड़ा सैंपल लेके प्लेट पे कि ये मेरा बैटर रोल हो रहा है कि नहीं। चलिए कर लेते हैं 5 मिनट और कुक, फिर मैं मिलती हूँ आपको 5 मिनट के बाद। जी फ्रेंड्स अब बैटर को पकाते पकाते मुझे नियर बाय 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने सैंपल लेके चेक कर लिया है छोटा सा। मेरा सैंपल अच्छे से जो मैंने लिया था वो रोल हो रहा है, मींस मेरा बैटर ये कुक होके तैयार हो चुका है। सो आप भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत थिक हो चुका है। चलिए अब मैं कर लेती हूँ गैस को बंद। फ्रेंड्स अब जो काम आता है वो बहुत जल्दी करने वाला प्रोसेस होता है। यहाँ ये देखिए ये जो मेरी प्लेट्स थी मैंने उनको ग्रीस कर रखा था ऑयल से, अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा जो बैटर लेके इसको अच्छे से फैला रही हूँ। ये देखिए बहुत जल्दी में काम करना है आपको ये, क्योंकि जो हमारा बचा हुआ बैटर है पैन में वो ठंडा नहीं होना चाहिए, एक बार वो ठंडा हो गया तो हम उसे फैला नहीं पाएंगे। सो बहुत क्विकली ये काम करना है। जो भी आपकी प्लेट्स हैं उसमें आप कोशिश कीजिए जितना थिन होगा उतना अच्छा होगा। अगर आपको थोड़ा मोटा खाना पसंद है, डिपेंड टोटली ऑन यू, तो आप इसको थोड़ा मोटी लेयर में भी लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा हल्का मोटा खाना पसंद है तो मैं यहाँ पर मोटा लेयर थोड़ा सा लगा रही हूँ। चलिए जी अभी आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने पूरा इस प्लेट को ये लगा लिया है। ये देखिए जी ये पूरा मैंने अच्छे से लगा लिया है। अभी दिखने में इतने क्लीन नहीं लग रहे हैं, ये तीनों मैंने प्लेट्स रेडी कर लिए हैं मेरे, मगर जब हम इसको रोल करेंगे तो नीचे की साइड्स जो होंगी बिल्कुल क्लीन होगी। चलिए जी अब इसके अंदर की हम फटाफट से कर लेते हैं फिलिंग को रेडी। यहाँ ये कुछ नियर बाय 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने ऑयल ले लिया है और डाल लेती हूँ ये राई। जब तेल गरम हुआ तभी ही राई को आपको डालना है। ये लीजिए जी अब देखेंगे आप तो ये हमारी राई चटकना शुरू हो गई है। अब मैं डाल लेती हूँ हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, वो हो गई हरी मिर्च और कड़ी पत्ते। ये लीजिए जी हरी मिर्च और कड़ी पत्ते भी चले गए। चलिए जी मैं इसको थोड़ा सा मिर्ची को भुनने दूंगी ताकि जो इसका तिखास है वो हमारे ऑयल में ऐड हो जाए। चलिए जी अब 5 मिनट हो चुके हैं जी, ये देखेंगे आप 5 मिनट हो चुके हैं और मेरी थोड़ी सी कॉर्नर एजेस वाली जो मिर्चियाँ हैं वो लाल होना शुरू हो रही है। तो मैं डाल देती हूँ ये सूखा नारियल है, ये सूखा नारियल है। आप चाहें तो जो गीला वाला नारियल होता है वो उसको भी जो कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं, मेरे पास वो नहीं था सो मैंने यहाँ पे सूखा नारियल ले लिया है। यहाँ पे ये सेकना जो है नारियल को बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये स्टेप करें, नहीं तो बिल्कुल जैसे ड्राई कोकोनट होता है वो भी आप डाल सकते हैं। बट मेरा इसको पकाने का रीज़न ये है कि मेरा कोकोनट में मुझे थोड़ा सा क्रंच चाहिए। और यहाँ ये आप देखिए नियर बाय 2 टीस्पून के आसपास मैंने शक्कर भी डाल दिए हैं, 2 to 3 आप ऐड कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मतलब थोड़ा सा मीठा टेस्ट देने के लिए ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि गुजराती होते हैं भाई तो वो तो मीठा खाना पहले पसंद करते हैं। सो यहाँ पे ये थोड़ी सी मैंने शक्कर ऐड करी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है ऐड करना। यहाँ पे ये देखिए आप मैं कोकोनट को बिल्कुल सेक रही हूँ लिटिल गोल्डन करने तक, क्योंकि आप जब गोल्डन करेंगे तो एक क्रंच आ जाएगा कोकोनट में। ये देखिए मैंने ये डाल दिया है उसके ऊपर कोकोनट, और अब मैं जो ये मेरी प्लेट थी इसको ऐसे लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखिए हो गया हमारा ये लेयर्स में। चलिए जी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कॉर्नर एजेस से मैं इसको रोल कर रही हूँ,
ये अगर आपका कॉर्नर एजेस अगर नहीं निकले तो स्पैटुला की मदद से आप थोड़ा कॉर्नर एजेस को निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये रोल करते 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 मैं इसको ऐसे ऊपर लेके आऊँगी। ये देखिए जी, ये हो गया रोल, ये अच्छे से रोल हो गया जी। चलिए अब कर लेते हैं ऐसे ही हमारी दूसरी को भी। ये देखिए इस तरीके से ये दूसरा भी रोल हो गया। सो ये वन बाय वन ऐसे लेयर्स को आपको रोल कर लेना है। ये देखिए जी, ये हो गया हमारा रोल। चलिए जी, ये निकाल दिया, ये हो गया हमारा रोल। चलिए जी फ्रेंड, इसी तरीके से मैं दूसरी को भी रेडी कर लेती हूँ। ये जो हमने फिलिंग रेडी करी थी वो मैं डाल रही हूँ प्लेट पे। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम फैला लेंगे। ये देखिए फिलिंग रेडी हो गई। बहुत थोड़े अमाउंट में ही डालना है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो बहुत ही अच्छी बनती है, बिलीव मी गाइस। मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरीके से ये रेडी कर लिए हमारे रोल्स। अब आता है टाइम इसको प्लेटिंग करने का। ये देखिए मैंने इस तरीके से थोड़े से जो मेरा बैटर बचा हुआ था, जो फिलिंग बची थी, वो मैंने ऐसे ऊपर तरीके से ऊपर डाल दी है। और आप चाहें तो कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं ऊपर, उसको अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। सो गार्निशिंग टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जी, मेरी तो प्लेट रेडी हो चुकी है, मुझे लग रही है बहुत भूख। चलिए जी, मैं चलती हूँ खाने। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी ये खांडवी किस तरीके से बनी, कैसी बनी। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके इन अच्छे कमेंट्स का। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन सी नेक्स्ट रेसिपी देखना चाहते हैं। चलिए मिलती हूँ फिर ऐसी ही कुछ अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लिसफुल एंड स्टे हेल्दी।